नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं इस हफ्ते लेकर आया हूं एक नया वीडियो, एक नया बजट फ्रेंडली एक्शन कैमरा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाइक राइडिंग के दौरान ये कैमरास हेलमेट पे या बाइक पे माउंट करके राइड करते हैं। मेरे हिसाब से ये कैमरास कंपल्शन होने चाहिए ताकि जब कोई एक्सीडेंट हो या कोई दुर्घटना हो तो विक्टिम के पास एक वीडियो प्रूफ रहता है इंश्योरेंस या पुलिस को दिखाने के लिए। इस तरह के कई सारे कैमरास मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप banggood.com या Amazon या Flipkart पे चेक करेंगे तो आपको इसके कई सारे मॉडल्स दिखेंगे, लेकिन उनमें सबसे बेहतर है GoPro। उसका नया वर्जन Hero 6 अभी मार्केट में आ चुका है। इसके बाद SJ Cam काफी लोग यूज करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे पास ये जो कैमरा है ये एक इंडियन कंपनी का बना हुआ है जो कि गुड़गांव बेस्ड है। नाम है नॉइस प्ले एक्शन कैमरा। ये कैमरा 4K तक शूट करता है और 30 मीटर की गहराई तक वाटरप्रूफ है। यहाँ पर पैकेज पे आप देख सकते हैं कि इस कैमरा को कोई कैसे कई सारे जगहों पर माउंट कर सकता है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या दिखता है पैकेज पर। सामने ये कैमरा दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ उनकी वेबसाइट है www.gonoise.com। साइड में दिखती है हमें नॉइस प्ले की ब्रांडिंग और साथ ही साथ दो बारकोड, एक एंड्रॉयड और एक iOS ऐप के लिए। इसके थ्रू आप अपना कैमरा सेलफोन के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट फोन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने पिक्चर्स दिए हुए हैं पैकेज में मिलने वाली एक्सेसरीज की, जैसे कि वाटरप्रूफ हाउसिंग, क्लिप वन विद ट्राइपॉड माउंट, हैंडल बार पोल माउंट, माउंट वन, बैंडेजेस, माउंट टू, माउंट थ्री जो कि जे माउंट है। पीछे की तरफ कैमरा के फीचर्स दिए गए हैं। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिए। आइए चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमें दिखता है कैमरा विद वाटरप्रूफ हाउसिंग केस। इसका अनलॉकिंग सिस्टम कुछ इस तरह है। काफी अच्छा सिस्टम है, मैं इसे एक बार यूज कर चुका हूं। इसमें 1050 mAh की बैटरी है जिसका बैटरी बैकअप फुल HD रिकॉर्डिंग के दरमियान 1 घंटे 15 मिनट तक का है। बटन्स काफी अच्छे हैं, स्प्रिंग बटन्स है, टैक्टाइल है जो कि अच्छी बात है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि पैकेज में क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर ये बैंडेजेस है, कैमरा होल्ड करने के लिए वेलक्रो स्ट्रैप्स है, अच्छी क्वालिटी के हैं, 2 स्मॉल और 2 लार्ज बैंड्स है। इसके बाद हमें दिखता है जे माउंट जिसका हम काफी हद तक यूज करते हैं। जे माउंट एक क्लैंप में जाएगा जो कि ऑलरेडी मेरे इस हेलमेट पर माउंटेड है। ये देखिए, ये एक और माउंट है, ये है क्लिप ऑन जो हमने पैकेज पर देखा था। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्राइपॉड माउंट होल है, सो हम ये कैमरा इसके जरिए ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं। पीछे की तरफ स्क्रीन स्पेस भी अच्छी दी गई है। यह है क्लिप माउंट 2। कैमरा फर्स्ट टाइम आया था तो इसी के साथ अटैच होकर आया था। ये एक और कैमरा माउंट हेड है, इसमें ट्राइपॉड माउंट जैसा स्क्रू है पर मेल स्क्रू है। तो ये क्लिप माउंट जो कि मेरे हेलमेट पर अटैच है उसमें फिक्स हो सकता है। यह हैंडल बार माउंट ताकि हम कैमरा हैंडल पर माउंट कर सके। यह है USB चार्जिंग केबल, एडाप्टर इंक्लूडेड नहीं है, USB 2.0 है, टाइप सी नहीं है। हालांकि इस बजट में टाइप सी में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। 2 3M टेप्स है जो कि खास क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं। यह है ब्लू क्लीनिंग क्लॉथ, वारंटी इंफॉर्मेशन और यूजर मैनुअल। इसके अंदर हमें सारी कैमरा की इंफॉर्मेशन पता चलती है। कैमरा में माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, मिनी HDMI पोर्ट और मेमोरी कार्ड स्लॉट है। मैंने यहाँ पर 32 GB की मेमोरी कार्ड डाली हुई है। कंपनी रेकमेंड करती है कि हम क्लास 10 मेमोरी कार्ड यूज करें। यहाँ मैंने कैमरा में सैंडिस्क अल्ट्रा A1 क्लास 10 मेमोरी कार्ड डाला है।
इसकी स्पीड कुछ 98 Mbps की है। और इसकी खास बात यह है कि इस पे 10 साल की वारंटी है। आपको ये Amazon पे तकरीबन 900 में मिल जाना चाहिए। बाहर मार्केट में भी इसका शायद यही रेट होगा। मैं इसकी Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बोल रहा हूँ उन सब की प्रोडक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कैमरा पर ऊपर एक ओके बटन है और साइड में LED है। कैमरा सामने से कुछ इस तरह से दिखता है। 170 डिग्री लेंस, नॉइस प्ले की ब्रांडिंग और पावर बटन है। साइड में अप डाउन कीज विद वाईफाई शॉर्टकट है और स्पीकर ग्रिल है। नीचे की तरफ बैटरी सेक्शन है। जैसा मैंने कहा 1050 mAh की बैटरी है। इस कैमरा की क्वालिटी GoPro के मुकाबले 30 या 40% होगी। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस देखें जो कि सिर्फ 4999 है, तो ये काफी वर्थ ऑफ प्राइस प्रोडक्ट है, जो कि GoPro के मुकाबले सिर्फ 1/10 प्राइस है। अपनी हॉबी है या डैशबोर्ड पे इसे यूज करना है या नॉर्मल वीलॉगिंग के लिए यूज करना है, स्पेशली ऐसा कोई जो शुरुआत कर रहा है या जो कोई GoPro अफोर्ड नहीं कर सकता या शुरुआत में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया कैमरा है। आइए अब कैमरा शुरू करते हैं। ये है आपका वीडियो मोड, यह है FPS काउंट, यह रिमेनिंग स्पेस, TF कार्ड नोटिफिकेशन और बैटरी चार्ज नोटिफिकेशन। पावर बटन दबाने से आप मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फोटो मोड, स्लो मोशन मोड, प्लेबैक मोड और फिर सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में देखते हैं क्या क्या है। पहले तो यह है वीडियो रेजोल्यूशन, HD, फुल HD, 2.7K और 4K तक का रेजोल्यूशन अवेलेबल है। 2.7K और 4K 30 FPS पे अवेलेबल है, हालांकि बाकी सब 60 FPS पे भी अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग साउंड का ऑप्शन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइम लैप्स की तरफ, जिसमें आप 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 तक का टाइम लैप्स देख सकते हैं। लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ 2 या 3 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं। स्लो मोशन 720p 120 FPS तक अवेलेबल है, हालांकि ये एक इनबिल्ट फैक्ट्री रीसेट सेटअप है। ये रहा आपका फोटो मोड सेटिंग। यहाँ पर फोटो रेजोल्यूशन, टाइमर, ऑटो और ड्रामा शॉट समय दिखाई देते हैं। ये इंटरनल कैमरा सेटिंग है। इसमें एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, इमेज रोटेशन, ड्राइविंग मोड है। ड्राइविंग मोड में स्टेबिलाईजेशन अच्छी तरह से होती है। इसके बाद हमें वाईफाई सेटिंग दिखती है। फिर आता है लैंग्वेज, डेट, टाइम, फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, रिसेट फैक्ट्री सेटिंग और फर्मवेयर वर्जन जैसे ऑप्शंस। एक और बार पावर बटन दबाने से हम मेन्यू में से एग्जिट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कैमरा का फुटेज इस वीडियो के बाद प्ले करूंगा, ताकि आप उसे देख सकें। और जैसे मैंने ऊपर कहा, जितना हो सके उतने सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दें। चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो अनबॉक्सिंग या मोटो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Ideally, this will be the handling people under ride.
बिल्कुल।